आज मैं आपके साथ एक चिकन रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ अ केजी चिकन लिया है। दीज आर विथ स्किन, आप विथ स्किन या विदाउट स्किन एनी ऑफ देम यू कैन मेक विथ। तो ये मैंने विथ स्किन हाफ किलो चिकन लिया है। एक मिनट छोड़ो। दिस इज गार्लिक, ये गार्लिक है और जिंजर, कसूरी मेथी, ग्रीन चिलीज एंड सॉल्ट। मैं जिंजर, ग्रीन चिलीज और गार्लिक को फाइनली चॉप कर लूँगी और मसालों में ड्राई स्पाइसेस में सिर्फ ये सॉल्ट हमें ज़रूरत है और साथ में कसूरी मेथी, ये ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी है। उसके साथ हमें ये ऑलमोस्ट एक 1 बोल ऑफ कर्ड चाहिए, थोड़ा थिक कर्ड हो तो बेटर है। ये ऑलमोस्ट 150 ग्राम्स होगा ये कर्ड, और उतना ही अमाउंट का हमें फ्रेश क्रीम चाहिए जिसको कि हम यूज करते वक्त व्हिप कर लेंगे। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स वी नीड टू मेक कसूरी मुर्ग मलाई। अब मैं गरम पैन में ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। आप ऑलिव ऑयल के बदले कोई भी रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल भी डाल सकते हैं। तो राइट नाउ आई एम यूजिंग ऑलिव ऑयल। तो मैं ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लूंगी। ऑयल गरम होते ही मैंने ये जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज को फाइनली चॉप कर लिया है। तो इसको अब मैं हॉट ऑयल में ऐड कर दूंगी। जैसे ही जिंजर, गार्लिक और ये ग्रीन चिलीज अच्छे से फ्राई हो जाए, उसके बाद मैंने ये चिकन को मैरिनेट कर दिया था कर्ड के साथ। अब मैं उसको इसमें ऐड कर दूंगी। एक दो मिनट के लिए फ्राई हो जाने के बाद ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसको अब मैं कवर करके ऑलमोस्ट 15 मिनट्स तक कुक करूँगी जब तक कि ये डन ना हो जाए। सॉल्ट के साथ ही मैंने जो ये कसूरी मेथी लिया था उसमें से हाफ लेके मैं इसी वक्त क्रश करके उसमें ऐड कर दूंगी और बाकी हाफ बिल्कुल लास्ट में डालूंगी। इसको अब मैं लो फ्लेम में कवर करके कुक करूंगी, बीच बीच में आकर थोड़ा सा स्टर करके वापस से कवर करके कुक करूंगी ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के लिए। तो अब मैं इसमें ये जो क्रीम है उसको ऐड कर रही हूँ। ग्रेवी ऑलमोस्ट सूख गया है अपना, तो अब मैं इसमें ये क्रीम को मैंने थोड़ा सा व्हिप कर लिया है, तो अब मैं उसको व्हिप्ड क्रीम को इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और साथ ही ये जो हाफ कसूरी मेथी बाकी था उसको भी क्रश करके एक साथ ही ऐड करना है। बस और 1 मिनट चला के इसको और कुक करना है अनकवर्ड, एंड देन आवर रेसिपी इज डन। वी कैन सर्व इट हॉट विथ चपाती, पराठा, पूरी, नान, किसी के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये अपना लेस स्पाइसेस, लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ एक सिंपल रेसिपी इज रेडी टू बी सर्व्ड।